ग्लास में डाल देंगे। वाओ, देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रही है। वाओ, अभी आने वाला गर्मी है, आप लोग बना के हर दिन पिएगा तो बहुत ही बॉडी ठंडा रहेगा। आप लोग को चाहे तो एक आइस क्यूब डाल के पी लीजिए। कैसा लगा, कैसा टेस्ट है, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सावित्री किचन में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? भगवान दया से सब अच्छा है, सब हेल्दी खुशी रहने के लिए हर दिन भगवान को प्रेयर कर रही है। आप लोग के लिए भी, मेरे के लिए भी, मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों के सामने आज लेके आई हूँ मसाला छाछ। अभी गर्मी आ रही है ना, गर्मी के लिए छाछ दिखा रही है आप लोगों को। आप लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके साइड में एक घंटी है उसको दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए। मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। मसाला छाछ के लिए क्या क्या डालने का है, मैंने धनिया पत्ता लिया है 2 टेबलस्पून, मैंने धनिया पत्ता लिया है 1 टेबलस्पून, पुदीना लिया है 1/2 टीस्पून, काली मिर्ची पाउडर कुटा हुआ लिया है। अभी स्वाद अनुसार नमक डाल रही है। आप लोग को नमक चाहिए तो डाल दीजिए, किसी को नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए, चलेगा। कोई कोई हरी मिर्ची भी डाल के पीता है, मगर मैं नहीं डाल रही है। क्यों नहीं डाल रही है, बच्चा लोग भी पीता है ना, हम लोग भी गर्मी में इतना मिर्ची खाएगा तो गर्म रहता है, ये ठंडा के लिए पी रहे हैं ना हम लोग गर्मी में, इसलिए मैं हरी मिर्ची अवॉइड किया है। 1/2 टीस्पून चाट मसाले डाल दिया मैंने, वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, बच्चे लोग भी बहुत फटाफट ये पी लेगा। ये 1/2 टीस्पून ब्लैक साल्ट भी डाल देंगे। भुनी हुई जीरा से मैंने पाउडर बनाया घर में, ये जीरा पाउडर थोड़ा डाल देंगे, 1/2 टीस्पून डाल दिया। अभी दही डाल रही है, मैंने फ्रिज में रखा है, एकदम ठंडा है था ये। आप लोग को चाहिए तो बर्फ भी डाल सकते हैं आप लोग। 4 टेबलस्पून मैंने दही डाल दिया है, मैं हैंड ब्लेंडर से कर रही है। हैंड ब्लेंडर नहीं है वो लोगों के पास, ये धनिया पत्ता पुदीना मिक्सी में पीस के वो पेस्ट इसके अंदर डाल के हम लोग इससे भी छाछ इसका ऐसा करके डाल सकते हैं हम लोग। अभी 1 गिलास पानी डाल देंगे। छाछ बोलेगा तो थोड़ा पतला ही रहने का ना, थिक चाहिए तो कोई भी थिक पी लीजिए, मगर पतला रहेगा ना, एकदम बॉडी को ठंडा रहेगा। छाछ बोलेगा तो पतला ही रहने का। मैंने सब डाल के बस एक बार ऐसे करने का बस। ये बच्चा लोग को मुंह में पत्ता पसंद नहीं है, आप लोग को पसंद नहीं, एकदम मिक्सी में एकदम पेस्ट करके आप लोग मिक्स करके भी पी सकते हैं, मगर बहुत ठंडा रहता है, ऐसे बना के पी लीजिए। आप लोग ग्लास में डाल देंगे। वाओ, देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रही है। इसका थोड़ा सा जीरा पाउडर ऊपर डाल देंगे, देख लो जीरा बहुत अच्छा है ना हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा भून के पाउडर बना के रख दीजिए आप लोग गर्मी के टाइम, ये हर दिन रोज छाछ बना के आप लोग पी लीजिए। अभी आने वाला गर्मी है, आप लोग बना के हर दिन पिएगा तो बहुत ही बॉडी ठंडा रहेगा। आप लोग को चाहे तो एक आइस क्यूब डाल के पी लीजिए, ये छाछ आप लोग बनाइए पी लीजिए। कैसा लगा, कैसा टेस्ट है, मेरे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए आप लोग, ये अच्छा लगेगा आप लोग को, फ्रेंड्स को, आप लोग को, परिवार को। मेरा चैनल फॉरवर्ड कर दीजिए, मेरा चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। बाय फ्रेंड्स, सी यू, टेक केयर। ये गर्मी में पीने के छाछ से आप लोग बना के पी लीजिए, बहुत हेल्दी रहिए, अच्छा रहिए। बाय फ्रेंड्स, सी यू।